फ्रेंड स्वागत है एक बार फिर से। तो दोस्तों ये देखिए कि दो मोटर मैंने रखी है, इसको समरसेबल पंप कहते हैं। एक कूलर के बेस में लगी होती है नीचे, जो पानी उठाने का काम करती है। तो मोटर दोस्तों क्या होता है कि जब पानी उठाना बंद कर देती है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं या चेंज करा लेते हैं। तो दोस्तों ख़राब कब होती है ऐसे इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हैं कि ख़राब कब होती है। ये पानी जब उठाना बंद कर लेती है तो हम लोग ख़राब समझकर इसको निकाल के नया डाल देते हैं। ये देखिए नया है, ये पुराना है। तो होता क्या है दोस्तों, ये ख़राब मतलब कि जल्दी होता नहीं है और हम ख़राब होने से पहले ही इसको निकाल देते हैं, केवल जब ये पानी उठाना बंद कर देती है तब। अब मोटर को बिना चेक किए हुए ही चेंज ना करें, क्योंकि होता क्या है दोस्तों, इसको हम ख़राब समझकर फेंक देते हैं और वास्तव में ख़राब नहीं होती है। और एक एक साल में इसको चेंज कराना पड़ता है, सिर्फ एक साल चलेगी इसके बाद चेंज कराना पड़ता है। लेकिन मोटर ख़राब नहीं होती है, पंप का काम है पानी उठाना। जब पानी उठाना बंद कर देगी तो हमें चेंज करना पड़ता है। तो दोस्तों इसको चेक करके ही चेंज कीजिए। और इसमें होता क्या है, जब एक साल हम यूज करते हैं कूलर को, उसके बाद पानी खाली करके कूलर को रख देते हैं सूखा। जब सूखा रख देते हैं तो फिर ये ठंडी का पूरा सीजन ऐसे ही कूलर के अंदर पड़ा रहता है और इसमें जो कचरा होता है वो बिल्कुल सूख जाता है अंदर से। और इसका जो होता है कि इसमें जो लगे रहते हैं इसके ब्लेड, वो घूमना बंद कर देते हैं कचरे की वजह से, और घूमना बंद कर देते हैं। तो हम समझते हैं कि मोटर ख़राब हो गई है रखे रखे, और हमें चेंज कर देते हैं। तो इसको चेक करने के लिए दोस्तों क्या कीजिए कि इसको बाहर निकाल लीजिए, या मोटर में लगे ही आप इसको सर्विस कर सकते हैं, सर्विस करके इसको चला सकते हैं। जब एकदम मतलब कि ख़राबी हो जाए तभी चेंज करना है। तो अब दिखा रहा हूँ मैं आपको समझने के लिए, दो मोटर मैंने रखी है, एक ये वाली न्यू है बिल्कुल और एक पुरानी है। तो पहले न्यू वाले को ही लगा के चेक कर लेते हैं। चेक करना कैसे है दोस्तों, सीरीज में डाल लेना है इसको, सीरीज में डाल के आप इसको चेक कर सकते हैं। देखिए चलेगा तो देख सकते हैं, इसका साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा। और ये पुराना मोटर है कूलर का निकला हुआ, इसे भी मैं चला के दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों बिल्कुल साउंड नहीं है, और मोटर मतलब कि ये पानी नहीं उठा रही है, केवल इसमें से थोड़ा सा वाइब्रेशन टाइप का आवाज़ आ रहा है। चलती है तो दोस्तों आवाज़ आपको सुनाई दिया होगा, चलने वाली मोटर की आवाज़ और बिना चलने वाली मोटर की आवाज़। इसको एक तरह से मान लीजिए कि आप ऐसे भी खोल के देख सकते हैं अंदर घूम रही है कि नहीं मोटर, ऐसे लगा के भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल घूम नहीं रही है, आपको दिख रहा होगा इसके जो होते हैं ब्लेड, पानी उठाने वाले ब्लेड, वो घूम नहीं रहे हैं। और इसमें मैं दिखा दूँ आपको तो आपको दिखेगा ब्लेड घूम रहा है, नया है तो इसका ब्लेड घूमेगा ही। ऐसे सिंपल भी आप चेक कर सकते हैं आसानी से। तो देख सकते हैं बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा आपको, ये बिल्कुल सुनाई भी दे रहा होगा आवाज़ इसका, कि ये अच्छे से वर्क कर रहा है तो ये पानी उठाएगा, और ये पानी नहीं उठाएगा, जबकि ये मोटर ख़राब नहीं हुई है। क्या होता है कि दोस्तों जाम हो जाती है मोटर, और इसको सर्विस करने के लिए दोस्तों थोड़ा सा सफाई की ज़रूरत पड़ती है। साफ़ करके अगर बांध देंगे तो फिर पानी उठाने लगता है। तो इसको ऐसे आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और ढक्कन को बाहर की तरफ ऐसे निकालेंगे, निकाल लेना है। देखिए कितना मतलब कि डस्ट जमा रहता है, देख सकते हैं अंदर से भी गिर रहा है। कपड़े से अच्छे से सफाई कर लीजिए, कोई भी कपड़ा ले लीजिए, थोड़ा सा साफ अच्छे से कर दीजिए इसको। और एक चीज़ और, इसका जो ये रहता है पिन, इसको पिन को निकाल लीजिए। देखिए ऐसे रबड़ रहेगा, और इस पिन को भी देखिए, पिन ही जाम हो चुका है दोस्तों। क्या होता है कभी कभी ये पूरा ब्लेड इतना तो इसमें पहले दिया रहता है, उसके बाद एक जगह आके रुकता है, उसके बाद अगर ये पूरा फ्री हो जाए राउंड में घूमने लगे, जब लगातार ये घूमने लगे तब भी ये पंप ख़राब माना जाता है। अब देखिएगा ये इसका राड ही इसमें जाम हो गया है, ये
एक तरह से स्टील का राड होता है दोस्तों, और इसके अंदर लगा रहता है। चलिए इसको निकाल लेते हैं। काफ़ी देखिए रखे रखे बस ऐसे ही जाम हो जाता है, इसके वजह से जाम पड़ गई थी, देख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा अभी मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं, थोड़ा सा इतना कर देने से दोस्तों ये चलने लगेगी। पानी का डस्ट वोस्ट कचड़ा वचड़ा जम जाता है इसके ऊपर। ये होता है दोस्तों चुंबक, और ये मैग्नेट द्वारा चलता है, मोटर में ये घूमता है। देखिए इस तरह से आपको क्लीन कर लेना है बिल्कुल भी, और इसके अंदर भी। दोस्तों इसको बदलने का एक और कारण है, क्या होता है कि इसका प्राइस बहुत कम होता है, इसलिए लोग बदल ही देते हैं। और कहीं भी आप ले जाएंगे तो दुकान पे भी, तो आपको क्या कहना है कि हाँ चेंज कर दीजिए, तो क्या होता है कि दुकान के लोग भी चेंज ही करना अच्छा समझते हैं, तो बिल्कुल नया डाल देंगे तुरंत ही, क्योंकि प्राइस बहुत कम रहता है। लेकिन आप जैसे कि घर पे रिपेयर करते हैं, तो ऐसे आप घर पे चेक करके भी इसको चला सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। ऐसे से अच्छे से साफ कर लेना है। देखिए इस पर भी थोड़ा सा डस्ट वस्ट रहता है राड पे, तो एक महीने साइज का कोई पेपर ऊपर लेके थोड़ा सा इस पे का डस्ट हटा लेना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक बार इसमें देखिए अभी टाइट है ना, कचड़ा उचड़ा गया था तो ये टाइट हो जाता है। इसको थोड़ा क्या करना है, ऑयल ऑयल डाल के थोड़ा सा दोस्तों ढीला कर लेना है, बिल्कुल ढीली कर लेना है। ऐसे जब घूमने लगे अच्छे से, तो समझ जाइए कि अभी देखिए फंस रहा है, इसके मुंह पे ही है कचड़ा थोड़ा। देखिए हो गया, ऐसे फ्री कर लेना है, देख सकते हैं अब ये अच्छे से वर्क करने लगेगा। अब इसको क्या करना है दोस्तों, रबड़ एक रहेगा ये पीछे, एक रबड़ रहेगा इसके आगे। अब इसको ऐसे ही ऐसे ही डालना नहीं है, इसको इसके बेस में पीछे यहाँ से दबा के बैठा लेना है कि लगे कि बैठ गया। वैसे नहीं आप बैठा पाते हैं, तो ये रबड़ आप ऐसे इसके होल में डाल दीजिए पीछे साइड में। उसके बाद क्या करना है, इसको शाफ्ट को डाल लेना है, उसके बाद ये रबड़ आपको ऊपर से लगा लेना है। अब देखिए ढक्कन में भी थोड़ा कचड़ा है, तो इसको भी क्लीन कर लेना है। पानी का सब सूखा डस्ट होता है, कहीं कहीं का देखिए दोस्तों, कहीं कहीं का पानी बहुत ख़राब होता है, तो वहाँ डस्ट ज़्यादा बनता है। अब ये रबड़ आ जाएगा इसके फ्रंट कवर में। अब बैठाने के बाद दोस्तों, अच्छे से दबा के बैठाने के बाद, ये जो होता है लॉक, इस लॉक में इसको क्लॉकवाइज पुश करके दोनों साइड चेक कर लीजिए, सही से बैठा देना है। बैठाने के बाद इसका कवर लगा देना है,
कवर लगाने से पहले ही मैं एक बार ये आपको चेक करा देता हूँ। लगा लेते हैं फिर सीरीज में इसको। देखिए दोस्तों इसका आवाज़ देखिएगा, अब बिल्कुल नए मोटर के आवाज़ की तरह ये आवाज़ करने लगी, देख सकते हैं। और बिल्कुल देखिए ब्लेड घूम रहे हैं और ये अच्छे से चलने लगी। दोस्तों इतना ही करते ही ये चलने लगी, और इसको इतना ही करके आप चला सकते हैं। ज़्यादा करके मोटर ऐसे ख़राब नहीं रहती है, लगता है कि ख़राब हो गई है, हम चेंज कर देते हैं। मोटर बंद होने की वजह से, डस्ट के वजह से बंद हो जाती है मोटर। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं दोस्तों ऐसी नॉलेजबल वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।